अच्छा किसने आना? खाला ने, खाला ने आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी चाट खाऊंगी आधा घंटा और, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, किचन में खड़ी हूँ और आज ही मैंने वीडियो अपलोड की थी कि फिजा और जिशान जब आए थे तो मैंने आपको पता है कि जैसे कि चना चाट बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो वो बाजी तो जी देखती गई है वीडियो, तो उन्होंने उसी टाइम मुझे दी, पहले तो माशाल्लाह से कमेंट किया है और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की है और उन्होंने कहा है कि अभी मेरे लिए बना कर रखो और मैं आ रही हूँ। अच्छा जी, ये देख लें, ये जी मैंने उनके लिए ये चना चाट तैयार कर दी है, ठीक है। और साथ में मैंने जी, अब मैंने कहा कि खाली चाट तो नहीं, फिर आएंगे तो फिर ज़ाहिर है साथ में अब पत्नी भाई नासर आएंगे या ज़ाहिर आता है जो भी आए, तो है ना, मैंने कहा तो था फिर आप सब भी आ जाएं, आप देखें कौन कौन आता है। तो साथ में जी मैंने दिन में पुलाव बनाया हुआ था ये, और साथ में चटनी और साथ में सलाद ये भी है, और साथ में जी मैंने मिस्टर विंग से पिज्जा और साथ में हॉट विंग भी ऑर्डर कर दी थी। मैंने कहा चलें साथ में कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और आमना बहुत ज्यादा खुश है कि खाला आ रही है। आमना कौन आ रहे हैं? खाला आ रही है, खाला खाला दे देखें, अमना को खाला बोलना आ गया तो ये आपकी खाला आ रही है। अच्छा मैं आपको, बच्चे भी अंदर खेल रहे हैं, ये अमना और इब्राहिम माशाल्लाह अंदर शरारतें करने लगे हुए थे, तो इनका मैं जी आपको दिखाती हूँ, आपने पियाना है बीच में, तो मैं जी इनका भी आपको दिखाती हूँ। और साथ में सारी तैयारी शारी भी होगी, सफाई सफाई भी इनके बड़ी जल्दी जल्दी की है, एकदम से फिर चार्ट आपको पता अच्छा खासा इसका काम बन जाता है, तो ये भी तैयार की है। और साथ में बाकी भी मैं क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चले पहले मैं आपको बच्चों का दिखाती हूँ। अमना, अमना किसने आना है? खाला, खाला ने, खाला ने, सुतनी तो एक ही है छारे जान में, चिपन एक ही है, सुतनी तो एक ही है पांच, छपके घर में एक ही सुतनी होती है और मेरे घर में ये है। इसके बाल कटवाने हैं आप? अमना से बड़े बाल हुए पड़े हैं इसके। और अमना किसने आना है? अमना, अच्छा किसने आना? खाला, खाला ने, खाला ने आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक, आप सुनाएं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। और शाम और उमेर तीनों को मैंने बुलाया था कसम से, वो उमेर साहब जो है ना, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह उमेर को पता है वो पेपर से अभी हुआ फारिग, तो वो जरा रेस्ट ही कर रहा है और शाम अभी सो गया था, आज सुबह सुबह उसकी चले आपकी मामा के लिए भी मैं लेकर आई हूँ एक गिफ्ट, खाला मैंने पॉकेट में रख लिया था मेरे लिए, ले छोटा बैठे तो सही ना। ये मुझे बहुत पसंद है, ये आगे भी बाजी ने मुझे दी है। निकलते नहीं, ये वही वाला शर्ट है जो मेरा है ना, एग्जैक्टली ये मैंने रखा हुआ था, ये मैं तो बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, बच्चियां वास्ते रखदा करनु आण या उन्हें दंग, मैं क्या माशाल्लाह काफी उन्हें वास्ते है अप्पा पी, मैं जरा सामान लेके ऐसी ना मैं देख के फारिग कर दो कि मैं कम रखूंगा ताकि टेंशन फ्री, मैं वो मेरी तरह वहां भी पहुंच जाती हूं। आज अम्मी बैठ,
शुक्रिया दी नहीं है नहीं अभी तक नहीं आया वो आते हैं तकरीबन 7:30 बजे मैं 6 बजे का आपका वेट कर रही हूँ मैंने कसम से 6 बजे आ जाना था पता नहीं क्यों सुबह की लगी थी 5:30 बजे ना मुझे जाना थोड़ी सी ना सहेली की दाड़ी ना मैंने कहा मैं 10 मिनट के लिए लेट जाऊंगी तो सर में दर्द वो फिर मैं लेट गई अच्छा फिर ना सबने जल्दी से रूम करना दरवाजा बंद करके तो वो चले गए कि भाई ना ये सो जाए वरना मैं कभी लेटी ही नहीं ना तो वो मैं यूमिन के पास 15 मिनट ही लेटी लेकिन बस उसमें फिर थोड़ी सी देर हो गई और जाए बेटा ठीक हो ठीक है क्या हो रहा है आज का काम मामा की है बस अच्छा आपको हिम्मत है मामा ना काम करना इतना सौखी गल नहीं है नहीं मामा माशाल्लाह सही टक्कर के हैं इसलिए इनका ना आपस में गुजारा हो रहा है आज क्या होगा एक बार बात सुनो आज ना से गया और एक कबूतर लेकर आया टूटू के अच्छा टूटू वो हमारी जो मान लो है उसके लिए कबूतर लेकर आए हैं उन्होंने ऐसे निकाला उन्होंने कहा कि नहीं ये टीवी पे ना बड़े शौक से देखता तो हम ना ले आते हैं शायद ना ये मतलब क्या करता है हम देखने डर गया वो डर के कमरे में भाग गया उसको देख कबूतर जो है वो वापस करने के लिए उन्होंने रखा हुआ वो उसके पास आए नहीं रहा यह हालत है मेरे घर मैं क्या मेरे बच्चे इतने शरीफ है तुसी जेड़े उन्होंने मेरी चीजा की आदत ना पा वो बाहर जाता है वो किसी को भी देखे ना तो बाहर के अंदर आ जाता अंदर आ जाता आदत नहीं आना शुरू से वो खार का और वो ही देखा हुआ है लेकिन बर्ड्स वगैरह को बड़े शौक से देखता है टीवी के ऊपर भी और बाहर भी जब सेट में भी जाए ना तो बड़े शौक से देखता है और मैं पहले चाय पानी ना कर लेती हाँ ऐसे करते हैं पहले चाय शाय पी लेते हैं मैंने कहवा तो रख दिया है ठीक है चाय के लिए और साथ में ये मिस्टर विंग से विंग मंगवाए हैं मैंने कहा बच्चे भी आपको पता है कि शौक से खाते हैं और बड़े भी शौक से खाते हैं बहुत ही इनके मजे के होते हैं तो ये भी मैंने साथ में मंगवा ली है इनके विंग्स का कोई सवाल ये साथ में ये पिज्जा भी मैंने कर लिया गरम ठीक है और ये साथ में पुलाव मैंने दिन में बनाया था और ये मैं साथ में आप गरम करने जा रही हूँ ये भी आप ट्रे में डाल के ना पहले बनाती थी वैसे मुझे तो उससे ज्यादा टेस्टी लग रही है अच्छा क्योंकि आज मैंने काफी दिनों बाद खाई है आपने कभी अपने घर में बनाई है बहुत पहले बनाती थी आजकल तो कुकिंग का टाइम ही नहीं ना लगता टाइम ही नहीं लगता ऐसे ही जी अच्छा मैं आपको खिलाती हूँ मैं खिलाती हूँ अभी वैसे ये है कि शायद मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ तो शायद कुकिंग वगैरह अभी तो मैं तुम लोगों की रेसिपीज देखती हूँ रहती हूँ यार ये कैसे सारा शूट कर लेती है मेहनत होती है आपकी चीज़ तो जाहिर और मैं ही ऐसी चीजें शौक से खाती हूँ वैसे बंदा इतनी बातें कर रहा होता है ना जब मोबाइल ऑन होता है ना सारी बातें खत्म हो जाती है बड़ी कैसा खाना बहुत माशाल्लाह से अच्छा बना हुआ था बहुत टेस्टी बहुत शुक्रिया मैं तो अभी चाट खाऊंगी आधा घंटा और जब तक ये खत्म नहीं हो जाती थैंक यू जी नहीं आता था पी लेना वो फिर जरा थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाएगी उस दिन असल में ऐसे ही हुआ था ना कि मैंने फिर ऊपर से चाय नहीं थी ना पी तो फिर ज्यादा तबीयत हो गई थी बेटा चाय टेबल आगे कर दूं नहीं
बहुत शुक्रिया जी, बहुत चाट माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। मैं तो चाट चाट कर गया, शुक्रिया जी बहुत बहुत। ये जी मैंने कल भी बनाई है और आज भी बनाई है, शुक्रिया आपने टाइम निकाला, आप बहुत मसरूफ हो गए। बहुत अच्छा खाना था, चाय भी अच्छी थी, शुक्रिया बहुत बहुत। आप टाइम निकाला है, टाइम क्या हो गया, 8:30 के हमसे ज्यादा ही आ गया। और मैं भी चलती हूँ, मैंने वीडियो पर शूट कर ली है, आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा अल्लाह हाफिज मुकद्दस, ठहर मुकद्दस को मिलो। अब जी ये बस राजा की तरफ जाऊंगी और ये राजा को भी पकड़ा के आऊंगी और फिर मलिक साहब ने आके खाना भी खाना है तो फिर उनको चले जी। चले जी ये भी आ गए हैं, खाना खा रहे हैं, तो बाजी भी चली गई हैं, तो माशाल्लाह से बाजी को चाट बहुत ही ज्यादा पसंद है, उन्होंने स्पेशल बनवाई थी मेरे से। तो चलिए जी, अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।